हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं गाइस जो है रिव्यू करूंगा iOS 17.5 डेवलपर बीटा 4 अपडेट का। अपने आईफोन 15 में मैं यूज़ कर रहा हूं करीब जो है 4 से 5 दिनों से। मैं आपको बताने वाला हूं गाइस इस अपडेट में क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं और क्या कुछ प्रॉब्लम्स फिक्स की है एप्पल ने, और ये अपडेट आपको अपने आईफोन 15 में करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। एंड यहाँ पर मैं आपको जो है आईफोन से रिलेटेड जो है काफ़ी वीडियोज़ अच्छी अच्छी प्रोवाइड कराता रहता हूँ। सो यहाँ पर बेल आइकन को ऑन जरूर रख लीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगा। यहाँ पर इस अपडेट में हम शुरुआत करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स से। यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कुछ जो ये विजेट्स हैं ये गायब हो जाते हैं जो इस अपडेट में मैं फील कर रहा हूँ। एंड सेकेंड चीज़, यहाँ पर कनेक्टिविटी मैंने आपको कहा था कि नेटवर्क जो है काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बट यहाँ पर गाइस कॉल ड्रॉपिंग का इशू जो पहले था वो वापस से आ गया है। जब मैं किसी से बात करता हूँ गाइस तो यहाँ पर जो आवाज़ है बीच में ही कट हो जाती है, मुझे आवाज़ आती भी नहीं है और सामने जाती भी नहीं है। तो ये कनेक्टिविटी का एक इशू जो है मुझे आईफोन 15 में इस अपडेट के बाद जो है देखने को मिल रहा है गाइस। सेकेंड चीज़ गाइस, एयर ड्रॉप का काफ़ी ज़्यादा पंगा है यहाँ पर। जब मैं फ़ाइल ट्रांसफ़र करता हूँ कई बारी तो वो वीडियो ही नहीं जाती, दूसरी वीडियो चली जाती है, कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं जाती है। उसके बाद जो है अगर काफ़ी सारी जैसे 20-25 मैंने फ़ोटो सेलेक्ट किए तो वहाँ पर जो है एयर ड्रॉप जो है चाहता नहीं, फेल्ड हो जाता है। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम मुझे आईफोन 15 में जो है गाइस हो रही है। बात करें अगर परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई इशू है कि नहीं, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं, गेमिंग वगैरह, वीडियो एडिटिंग वगैरह सारा कुछ अच्छी तरीके से काम कर रहा है, इसमें मुझे कोई दोहरा नहीं है। बात करेंगे यहाँ पर बैटरी लाइफ कैसी है इस अपडेट की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैटरी लाइफ पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव जो है मुझे लग रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लास्ट चार्ज लेवल जो है वो सैटरडे यानी कल का था, 9:40 रात को मैंने चार्ज किया था 95%। अभी 51% बैटरी मेरे फ़ोन में है। और इस फ़ोन की अगर मैं बात करूँ स्क्रीन ऑन टाइम तो आप लोग देख सकते हैं 3 घंटे का। यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है गाइस इस अपडेट में सच में काफ़ी अच्छा है, पहले से काफ़ी इम्प्रूव किया गया बैटरी बैकअप आईफोन 15 का। बात करें ओवर हीटिंग, तो ओवर हीटिंग गाइस अभी भी मुझे 2 ऐप यूज़ करते टाइम होती है। पहला ऐप है गाइस यहाँ पर फ्लिपकार्ट, जब मैं फ्लिपकार्ट ऐप यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर फ़ोन जो है मेरा बहुत ज़्यादा ओवरहीट जो है वो हो जाता है। सेकेंड ऐप है गाइस यहाँ पर कैशिफाई, जब मैं कैशिफाई ऐप यूज़ करता हूँ तब फ़ोन ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। ये 2 ऐप जब भी मैं फ़ोन में यूज़ करता हूँ तो फ़ोन ओवरहीटिंग अभी भी कर रहा है, तो ये कोई प्रॉब्लम जो है वो फिक्स एप्पल ने नहीं की है। परफॉर्मेंस के अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो ही CPU स्ट्रीम में जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं सिंगल कोर। यहाँ पर जब 17.5 डेवलपर बीटा 3 का अपडेट था जिसमें सिंगल कोर था 2235, मल्टी कोर था 6174। एंड यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है अभी दोनों में ही नंबर्स बढ़ गए थे 6233, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिंगल कोर 2469, नंबर्स तो बढ़ गए थे। यहाँ पर अगर बात करूँ GPU की तो GPU में जो नंबर 23100 था अभी 22998 हो गया, थोड़े से 102 नंबर कम हो गए थे यहाँ पर। बट यहाँ पर परफॉर्मेंस से रिलेटेड मुझे कोई मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ अपडेट आपको करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से आप कर सकते हो। बट यहाँ पर जो मैंने आपको बताई कॉलिंग ड्रॉप का इशू आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है माइक का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम, ऐसा मैं कह सकता हूँ जब बात जो है मेरी नहीं पहुँच रही सामने, तो ये इशू जो है अभी भी कॉलिंग में है। यहाँ पर नेटवर्क आते हैं बट कॉलिंग में जो है ऐसा इशू जो है मुझे हो रहा है, एक पर्टिकुलर नंबर पे नहीं कई सारे नंबर्स पे जो है ये प्रॉब्लम जो है मुझे हो रही है। आई होप एप्पल जो है नेक्स्ट अपडेट में इन चीज़ों को फिक्स कर दे। बाकी अगर आपके पास आईफोन 15 है, बैटरी का मेजर प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पर इस अपडेट को आप जो है अपने आईफोन 15 में कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस अपडेट के बारे में नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। सेम अपडेट पब्लिक बीटा अपडेट आईफोन 13 में यूज़ कर रहा हूँ, जिसका रिव्यू बहुत ही जल्दी वीडियो जो है मैं बना के दे दूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रख लीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचे। सो मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।